हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरा उद्देश्य है वो मेंसुरेशन 2D को पढ़ाने का है। बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था कि मैं इसको पढ़ाऊं और एक मास्टर वीडियो आपको दूं इसके ऊपर। एक मास्टर वीडियो मतलब एक में ही सारी आकृतियों को कवर कर देना है एक ही वीडियो में, ऐसे नहीं कि बहुत भगदड़ में हर चीज समझा के। जो भी चीज आपको कभी समझ में नहीं आई, मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर इतना आसान कर दूं आपके लिए कि कुछ ये चैप्टर कभी लगे ही ना, आपको लगे कि ये चैप्टर तो बिल्कुल उनके जैसा ही था, इवन उनसे भी आसान था। ठीक है, ये मैं कह ही नहीं रहा हूं, आप लोग खुद बोलेंगे जब इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूंगा, यानी पूरा 1-1.5 घंटे की जितनी भी ये वीडियो है उसको देखने के बाद आप खुद कहें तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी एरिया यानी इसको मेंसुरेशन 2D कहते हैं। बहुत दिन से प्लान कर रहा था लेकिन कर इसलिए नहीं पाया, मैं कुछ बीमार हो गया था बीच में और अभी भी मुझे दिक्कत है, गले में भी दिक्कत है, मुझे नजला टाइप हो रखा है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए, मैं मेनली तो SSC GD वालों के लिए बोल रहा हूँ कि इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो अब किसी भी बेसिक यानी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बहुत बड़े एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, जैसे CGL मेंस वगैरह में, उसमें से तो थोड़ा लेवल थोड़ा अप करके पूछा जाता है। बाकी बेसिक मैं हर चीज का कवर करा दूंगा, बाकी आप बड़े लेवल की भी कर रहे हैं ना तो बेसिक तो आपको तब भी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ जरा देखिए। ये चार आकृति अपने रडार में होंगी जिसको मैं मेंसुरेशन 2D में कवर करूंगा। रेक्टेंगल हमारे, स्क्वायर्स, सर्किल, इनके परिमाप भी, इनके क्षेत्रफल भी, इनके परिधि भी, सब कुछ मैं क्लियर करके चलूंगा आपको। ट्रायंगल, ये तो मैंने यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है, समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको सारे त्रिभुजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, तो इसलिए कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं। अब ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन, यानी जिसमें हम अपनी तारीफ कर सकते हैं, और जो अब मैंने अपनी बड़ाई मारी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकी, पर फेंकने का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा कि वो फेंका है या वाकई में कुछ है। ठीक है, तो आयत या रेक्टेंगल, मैं पहली आकृति ले रहा हूँ आयत या रेक्टेंगल, तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसको कभी यूज नहीं किया हो किसी ने। मान लो आप देखिए बाजार से रस्सी लेने जा रहे हैं, तो रस्सी तो आप लंबाई में ला सकते हो, वो 5 मीटर लंबी लानी है, 7 मीटर लानी है, 8 मीटर लानी है। अब मान लो गेट के लिए आप अपनी प्लाई लेने जा रहे हैं, ठीक है, प्लाई लेने जा रहे हैं, या आपके घर में मान लीजिए फर्श करवाना है, या आपको मान लीजिए टेंट लगवाना है, उसपे चटाई बिछवानी है नीचे, तो उस सबको लाने के लिए आपको अपने घर का जिस क्षेत्र में करवाना है काम, जहां पे गेट लगवाना है, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, और क्षेत्रफल वो आयताकार रेक्टेंगल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें प्लाई लेके आनी है, तो ऐसा नहीं कि 8 फीट लंबी प्लाई ले आओ। अब कोई तो ले आया 1 फुट चौड़ी, है ना, 8 फीट तो लंबी लिया है लेकिन इतनी पतली से ले आया, क्या फायदा उसका। तो अब ये 8 फीट लंबी तो है लेकिन तो इसमें साथ साथ चौड़ाई भी चलती है, तो लंबाई और चौड़ाई, तो अब जो 8 फीट लंबी और 1 फुट चौड़ी है, तो ये 8 फीट ही प्लाई है, 8 × 8। ठीक है, अब जो प्लाई ऐसी लेके आया 2 फीट चौड़ी 8 फीट लंबी, तो फिर ये प्लाई अब पता है कितनी आई है, ये 8 × 16, तो इसको ही बोलते हैं L×V। समझ में आई ना बात। तो ऐसी चटाई भी बिछवानी है, लंबाई चौड़ाई की गुणा कर दो, इतनी चटाई चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें ऐसे निकलती हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें इनका यूज करना पड़ता है। तो पहले तो यूजेज समझ में आ गया, तो आपको क्षेत्रफल, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने आयत का क्षेत्रफल ना सुना हो। L×V यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई आप पहचान सकते हो, अगर आयत ऐसे रखा हुआ है तो भी आप समझ जाएंगे कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये एल है और ये बी है। ठीक है, क्लियर रहेगी ना बात दोस्तों। एक बात और है कि आयत की और पहचान क्या हो सकती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी आयत की पहचान है, हर कोण हर कोने पे 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि भाई और क्या पहचान होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये आमने सामने और ये दोनों भी बराबर, तो ये भी है तो ये भी है, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, तभी ये आयत बनता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने खेत का भी क्षेत्रफल निकालना है ना दोस्तों, तो वो भी आपका ऐसे ही निकलता है बिल्कुल, लेकिन खेत तो आजकल पता ही है, आपका पड़ोसी थोड़ा सा ज्यादा चालाक हुआ तो भाई वो आपके खेत में घुस जाता,
तो ये सिरा थोड़ा टेढ़ा हो जाता चला जाता है, भाई सिरा आपका यहाँ था लेकिन यहाँ पड़ोसी थोड़ा सा घुस गया। कई बार ऐसे हो, आप पड़ोसी से तेज हो जाते हो, आप उस केमे को घुस जाते हो, तो ये सिरा कभी कभी ऐसा बन जाता है। ठीक है, खेत लगभग ऐसे ही होते हैं सबके, भाई यहाँ तक था आपका, आप उस केमे को घुस गए क्योंकि ये पड़ोसी बेचारा सीधा है, यहाँ पे आपका पड़ोसी तेज था वो आपके में को घुस गया, तो वो थोड़ा सा ऐसे चलता रहता है। अब मान लीजिए ये 5 है, ये 8 है, ठीक है, और ये मान लीजिएगा आपका 12 है और ये 10 है, ठीक है, तो इस तरीके से खेत का आ जाता है। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे करें, आमने सामने की भुजा भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, लगभग में ले लिया जाता है। और लंबाई क्या मान ली जाती है, देखो 12 और 10 यही लंबाई हो सकती है, तो 12 10 पूरी ना लेके इनके बीच की ले ली जाती है, तो 11, ठीक है, 12 10 22 का आधा 11, तो एल यहाँ पर 11, और चौड़ाई कैसे लेंगे, 8 5 13 का आधा 6.5, चौड़ाई हो जाती है 6.5, इनकी गुणा करके हमने खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो खेत में तो बात ऐसी हो गई, ये क्यों बताइए, क्योंकि व्यवहारिक यूज में आपके दिमाग में ये चीजें आती ही है, तो मैंने वो बात पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आयत की और भी पहचान मैं बता चुका हूं। और देखिए क्षेत्रफल के बाद अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, आयत का परिमाप, और परिमाप में आयत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी आकृति की बात कर रहा हूं, चाहे वो षटभुज है या अष्टभुज है, नौ भुज है, 10 भुज है, त्रिभुज है, कितना भी भुज है, कोई टेंशन नहीं है आपको। किसी भी बहुभुज की परिमाप क्या होती है कि उसकी सारी भुजाओं का योग, मतलब उसके एक कोने से शुरू करो और इस एक कोने से ऐसे चक्कर लगा के आ जाओ, ये होती है परिमाप। तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, ऐसे ही आपको पंचभुज है और उसका परिमाप कोई पूछ है तो आप कहेंगे इसकी पांचों भुजाओं का योग। ऐसे ही आयत का परिमाप भी क्या होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई, देखिए इसकी सारी भुजाओं का योग। अब आप देख रहे हो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये किसी का भी परिमाप बता रहा हूं मैं आपको, आयत का नहीं, ये तो मैं अब आपको इसका निकाल के दिखा रहा हूँ, आयत का 2 × L+B कैसे आता है, तो मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। पैरामीटर, परिमाप को बोलते हैं पैरामीटर, कुछ अंग्रेजी वाले भाई होंगे, तो भाई मैं इन सबको जोड़ दू तो कैसे जोड़ दू, ये एल है, ठीक है, इसको L ले लेता हूँ, फिर B आ जाएगी, भाई मैंने तो यहां से शुरू किया ना चलना, L फिर B फिर L फिर B, तो फिर L फिर B, तो आपने देखा दो बार L आया दो बार B आया, तो हम कहेंगे 2L+2B, तो अब देखूंगा 2L+B, तो आपने देखा दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप आ गया। ठीक है, आयत का परिमाप रट गया आपको। विकर्ण का भी इसके का बहुत यूज है, विकर्ण पे बहुत सवाल बनते हैं, तो मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि आयत का विकर्ण, एक तीसरी पहचान आयत की ये भी है कि इसके विकर्ण हमेशा बराबर होंगे, ये दोनों अगर आप ऐसे खींचो या ऐसे खींचो विकर्ण बराबर होंगे, ये बात निश्चित है। चाहे आप इस आयत में ले लो तो इसका ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर होंगे, बराबर दूरी पे कट करेंगे, तो हमने उल्टा सीधा बना रखा, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल बीचों बीच कट करते हैं। ठीक है, तो इस विकर्ण को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये इसकी एल है, ये इसकी बी है, तो ये कैसे निकल सकती है, आपको पता है √L² + B² आपने दिशा वाले सवालों में भी ऐसे सवाल किए हैं, और यहाँ भी आपको पता है तिरछी भुजा ऐसे निकलती है, तो विकर्ण आप याद रखिएगा L² + B², ये आयत का विकर्ण होता है। ठीक है, फॉर्मूले हमने तैयार कर लिए, अब हमारे हथियार बिल्कुल धारदार है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, एक तो यही आएगा सीधा सीधा कि आयत की लंबाई 15 मीटर है, इसकी चौड़ाई 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं और इसका परिमाप बताएं। ऐसे भी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, बताओ ये कोई सवाल है पूछने के, तो आप देखोगे क्षेत्रफल होता है L × B, तो आप कहेंगे 15 × 12, तो आप कह दोगे 180। ध्यान रहे आयत जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे किसी का भी, तो वो वर्ग मीटर में नपता है या वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होंगे तो ये वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप परिमाप की बात करेंगे तो दोस्तों बस एक ही बात याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, कि आयत का परिमाप पूछा है ना, तो बस आप एक चित्र बना लेना, फॉर्मूला भूल गए हो टेंशन मत लेना, ये 15 है ये 12 है, चारों भुजाओं का योग कर लो, ये भी 15 क्योंकि आमने सामने की बराबर हो, और ये भी 12 है, तो 12 12 24, 15 15 30, 30 और 24 54, तो ऐसे परिमाप आप ला सकते हो, या दोनों को जोड़ो और दुगना कर दो, जो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ला सकते हैं, और अगर हमें इसका विकर्ण लाना हुआ तो मैं वो भी ला सकता हूँ √ के अंदर 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर।
ठीक है, अंडर रूट में ही आता, आने दो 225 प्लस 144 और मैंने इसको जोड़ दिया तो ये बना 369, 369 आपका आंसर अंडर रूट के अंदर। इसको और कुछ खेल करना है इसके साथ तो कर सकते हो क्या, कि भाई आप इसमें 9 कॉमन ले लिया, सॉरी इसको अंदर से कर सकते हो, ये आप 9 चौक 36, 9 एकम 9 और गुणा ये, ठीक है ऐसा कर सकते हो, 41 गुणा 9 लिख सकते हो, इसको 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 रूट 41 इसको लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन विकर्ण भी अगर पूछेगा तो हमें टेंशन नहीं है कि हम विकर्ण कैसे निकाले, ठीक है फॉर्मूला आपके पास है, तीनों चीज निकल जाएंगी बहुत आराम से आयत की, अगर सीधा सीधा सवाल आया तो आप ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है जरा देखिएगा, कि आयत की ऐसे कर लीजिएगा, आयत की लंबाई आपका है जो है 15 मीटर है, आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा इसका विकर्ण दोस्तों आज पहली बार ऐसा है कि सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगा, आयत का विकर्ण 17 मीटर है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बिल्कुल अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप एक बार डायग्राम बनाए इसका, तो आपको सवाल कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत प्यारा सवाल है, 17 ये है, ये 15 है और इसका आपको देखिए जब तक क्षेत्रफल तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपको L इंटू B दोनों पता नहीं होंगे, L तो हमें पता है 15, लेकिन B हमें पता नहीं है उसके एवज में विकर्ण पता है, तो विकर्ण से हम चौड़ाई कैसे ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हो अंडर रूट के अंदर 17 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर करके, क्यों जब भी बड़ी भुजा दी होगी ना छोटी भुजा लानी है ना तो बड़ी में से छोटी घटेगी, अगर आपको ये लानी होती ये दी होती तो इसके वर्ग में से ये भी घटेगा, लेकिन अगर आपको बड़ी वाली ये लानी है तो इन दोनों का वर्ग जुड़ेगा अंडर रूट के अंदर, ये अब आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है 289 - 225 ठीक है, और अगर आपने घटाया तो 64 आ गया, 64 का मतलब 8 मीटर, तो चौड़ाई इसकी 8 मीटर आ गई, ये 15 मीटर थी, ये 17 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 × 8 यानी 120 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बनता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, सवाल नहीं लिख रहा हूं मैं फिर भी आपको समझ में आ रहा है ना, आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप क्या होगा, मतलब आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा और आपसे पूछेगा परिमाप क्या होगा, तो आप कैसे इस सवाल को करेंगे, दोस्तों ये इकलौता सवाल है पूरे क्षेत्रफल में जिसको मैं आपको एक्स से बताऊंगा और कोई सवाल एक्स से नहीं करवाऊंगा आपका, तो इसमें जब भी क्षेत्रफल के साथ अनुपात दिया हो, परिमाप के साथ अनुपात दिया होगा उसका इलाज है हमारे पास बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के साथ अनुपात दिया हो तो कैसे करेंगे, एक्स मानना पड़ेगा आपको, एल 4x और बी 3x, ठीक है एल 4x और बी 3x, तो आप क्या करेंगे इन दोनों की गुणा 4x × 3x क्योंकि यही तो क्षेत्रफल है 108, ठीक है, और मैं अगर नीचे को चलूं तो आप देखोगे 12x² = 108 और x² = 108/12 यानी 9 और x का मान हो जाएगा 3, ये बात क्लियर है, बहुत बच्चों को x से डर लगता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, x से डर लगता है छोड़ दो इस सवाल को, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है x = 3 तो L का मान क्या होगा 4 × 3, उन्हें x से पता क्यों डर लगता है, क्योंकि उन्हें x की गुणा करनी नहीं आती, ये 12 यहाँ गुणा में ये भाग में पहुंचाना नहीं आता, पक्षांतर से डरते हैं वो, और जबकि ये कुछ नहीं है, आप थोड़ा सीखो तो सही, L = 4 × 3 और B का मान क्या हो जाएगा 3 × 3 क्योंकि L एक्स माना है तो उसका मान भी रखना पड़ेगा, सवाल क्या जानता है कि वो आप एक्स मान रहे हो ये मान रहे हो बी मान रहे हो उसका मान रख दो लास्ट में, सवाल की बात ही खत्म हो जाएगी, तो 12 और 9 तो इसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग आ गई, आप क्षेत्रफल देख रहे हो बिल्कुल 108 आ गया, अब आपको चाहिए क्या परिमाप, लंबाई चौड़ाई को जोड़ो और दुगुना कर दो, ठीक है
लंबाई चौड़ाई को जोड़ो 12×9=21, 21 का दुगुना कर दो, यही परिमाप होता है। तो आपका परिमाप आ गया 42 मीटर। कितना आसान सवाल है बताओ, ठीक है? तो ऐसे डरना नहीं है सवालों से, बहुत आसान होते हैं सवाल। कभी कभी दोस्तों ये सवाल आ जाता है कि एक आयत की, अभी आपने देखा कि ये तो बिल्कुल वही सवाल है, नहीं है। L इंटू एल रेशो बी का 5:3 है, वहां पे L रेशो बी तो दिया था लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दिया था, लेकिन यहाँ पे परिमाप अगर दे दे तो देखो क्षेत्रफल जब दिया था तो मैंने x माना आपके लिए, ठीक है? लेकिन अगर क्षेत्रफल ना दे के परिमाप दे तो आपको कभी x मानने की जरूरत नहीं है। ये इतना आसान सवाल है, कभी आपको इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं इसको कैसे करना है कि जब भी परिमाप देगा ना तो परिमाप क्या होता है, 2×L+B, यानी L+B के जोड़ का दुगुना। तो लंबाई चौड़ाई के जोड़ का दुगुना होता है परिमाप। तो लंबाई चौड़ाई का जोड़ कितना हो जाएगा, जब ये लंबाई चौड़ाई के जोड़ का दुगुना है तो लंबाई चौड़ाई का जोड़ क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो इसका आधा हो जाएगा, जो 2 है वो इधर पहुंचा दिया, और जिन पर पक्षांतर नहीं आता वो ऐसे ही सोच लें, भाई L+B परिमाप का आधा होता है हमेशा, ठीक है? तो जब भी आपको परिमाप देगा आप L+B बराबर लिख दोगे, परिमाप को तुरंत आधा करो, सबसे पहला काम है। अगर आपको L+B मिल गया और L=B मिल गया तो आपके पास तो बहुत सुनहरा अवसर है L और B के मान निकालने का। कैसे, अनुपात में बांट दो, सिंपल 5/8 और ×56, ऐसे ही बांटते ना, एल चाहिए 5/8 योग, यानी 8×56, जो भी बांटना हो, योगी तो बटता है हमेशा। तो 7×35 तो आ गई लंबाई, और अगर चौड़ाई चाहिए तो 3/8 योग फिर से 8 हो जाएगा, और ×56 बांटना है तो 8×56 आपके हो गए 21 मीटर। और अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल होता है L×B, वो तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जितनी बार ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको रटेगा, ठीक है? 21×5=105, 61×63=76, 69 वो सॉरी 21×63=10 तो 73, ठीक है? 735 वर्ग मीटर। कुछ छोटी मोटी गलती हो जाएगी तो वो आप पकड़ लेते हो, मुझे पता है, तो उसको इग्नोर कर दिया करो, हो जाती है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है? कोई ऊपर से इंसान ही हूँ, फरिश्ता कोई पैदा नहीं होता, ठीक है दोस्तों? अब जरा, अब ये सवाल आपको क्लियर हो रहे हैं ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसमें विकर्ण भी पूछ लेता तो कोई टेंशन नहीं थी, 35 का वर्ग + 21 का वर्ग अंडर रूट ले दो, आपका उत्तर है, ठीक है? तो इस तरीके से आप आयत के सवालों को, कैसा भी सवाल है, कर सकते। मैं आपका बेस बना रहा हूं दोस्तों, कुछ होते हैं रास्ते वाले सवाल, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं छूटेगा आपका। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरह के आते हैं, आप देखोगे तो सही कि किस तरह के आते हैं। लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी, वो भी मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा रुको, पहले रास्ते के सवाल देख लेते हैं हम क्लियर करके। दोस्तों रास्तों में सवाल आता है इस तरह का कुछ, तो क्या है, 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो आप कैसे बनाते हैं? मुझे सब पता है कि आप इस तरह के सवाल को ऐसे करते हैं, इस तरह के सवाल को 3×3 मीटर चौड़ा, यानी इसकी लंबाई तो 20 मीटर है, इसकी चौड़ाई 10 मीटर है, और 3 मीटर चौड़ा इसके रास्ता चारों तरफ है, और ये भी बोलता है बाहर चारों तरफ है, इसमें बाहर कहना भूल गया है, कोई बात नहीं, बाहर ना भी कहे तब भी आपको ऐसे ही बनाना है। तो 20 मीटर और 10 मीटर, तो 3 मीटर यहाँ से भी चौड़ा है, 3 मीटर यहाँ से भी है, 3 यहाँ से भी है, 3 यहाँ से भी है। तो आपको पता है कि आपको सिर्फ इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, जो पट्टी आपको दिख रही है, तो ये ही है रास्ता। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बड़ा वाला आयत है ना, बड़ा वाला, उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। और छोटे वाले का तो पता है 20 लंबाई है, 10 चौड़ाई है, 200 क्षेत्रफल हो जाएगा, 20×10। लेकिन बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बड़े की लंबाई और बड़े की चौड़ाई चाहिए। तो बड़े की लंबाई कैसे होगी, 20 तो इसके सामने तक हो जाएगी दोस्तों, 3 इधर बढ़ गया रास्ता, 3 इधर, देखो ये 3 बढ़ा, 3 इधर बढ़ा, तो कितना हो गया रास्ते की लंबाई, बाहर रास्ते सहित अगर इसका क्षेत्रफल की लंबाई लगाएं इस मैदान की, तो 20 तो ही सीध में 3 इधर बढ़ा, 3 इधर, 26। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 23 ले जाते हैं लंबाई, ठीक है, 3 ही जोड़ते हैं, जबकि 3 दोनों तरफ है। ऐसे ही आप चौड़ाई में देखोगे, चौड़ाई 10 तो इसके सामने तक है, 3 नीचे बढ़ गई, 3 ऊपर बढ़ गई, तो इसकी पूरी ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10×3=13 और 3×16,
16 इसकी चौड़ाई है, 26 इसकी लंबाई है, तो रास्ते का क्षेत्रफल लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो आपको मैंने समझाया ज्यादा है, लिखा कम है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पूरा बाहर वाला लंबाई और बाहर वाली चौड़ाई, तो 26 गुणा 16 हो गया बाहर का क्षेत्रफल, पूरे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल 20 गुणा 10, तो 20 गुणा 10। तब आप गुणा करेंगे 16 छक्के 96, 16 दूनी 32 और 9 41, 416 माइनस 200 बराबर 216 वर्ग मीटर। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा अगर आपने गौर से समझा है। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ना, आज क्षेत्रफल ऐसा लगेगा जैसे कभी कुछ था ही नहीं, ठीक है? अभी लग रहा होगा पता नहीं क्या है, अभी तो मैं इस आयत पे चल रहा हूँ, वर्ग ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं वर्ग पे भी चलूंगा, अभी आप देखिएगा आयत को, ठीक है? आयत का ये दूसरा सवाल, इसमें कभी कभी रास्ता अंदर की तरफ बनवा देता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में। तो रास्ता अगर अंदर की तरफ बनवाए ऐसे, तो बाहर की लंबाई आपको पता है 10 है, चौड़ाई आपको पता है 8 है, लेकिन रास्ता अंदर की तरफ बनवाया जा रहा है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है लाइन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ध्यान नहीं भटक रहा होगा कि लाइन यहाँ से टेढ़ी है जी, ठीक है? तो अब आपका ध्यान ये होना चाहिए कि भाई अब मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, और ये हर जगह से एक एक है, यहाँ से भी एक है, यहाँ से भी एक है, यहाँ से भी, ठीक है? तो अब इसकी मुझे लंबाई चाहिए और इसकी चौड़ाई चाहिए ताकि मैं बड़े वाले आयत में से छोटे वाला घटा सकूं। तो 10 गुना 8, अब बाहर वाला बड़ा है और अंदर वाला छोटा है, कितना? एक इधर कम, तो अंदर वाले की लंबाई हो जाएगी 8, 10 में से एक इधर कम, 10 तो पूरी थी ना यहाँ तक, ठीक है? ऐसे ही 8 है पूरी, 8 में से एक ऊपर कम एक नीचे कम, तो 6, तो 80 माइनस 48, 8 गुणा 6, ठीक है? तो 80 माइनस 48, अब आप देख रहे हैं तो 32 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल। कई बार आ जाता है कि रास्ते को पक्का कराना है, और रास्ते को पक्का कराने का खर्च 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बताओ कितना बैठेगा। तो ये जो रुपया आते हैं ना, जब भी खर्च पूछेगा तो आप इसकी सीधी गुणा कर देना इस 10 की यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। रास्ते को पक्का कराना है, कालीन बिछानी है, कुछ भी करना है, तो अगर रुपया निकालने हो तो गुणा कर दिया करो सीधी सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये डिटेल में चाहिए ना दोस्तों चैप्टर, तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है? आयत वर्ग पे 2 वीडियो ऑलरेडी है मेरे एरिया चैप्टर में, निकाल के देख सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं ये मास्टर वीडियो बना रहा हूँ, आयत पे बहुत टाइम दे रहा हूँ ताकि बेस बना सकूं आपका, ठीक है? एक 12 मीटर लंबे तथा 9 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बाहर रास्ता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, तो कभी कभी रास्ते की ना लंबाई देता है ना चौड़ाई देता है, सिर्फ क्षेत्रफल लिख देता है। अब हम इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये बन जाता है हमारा। तो 12 मीटर और ये है 9 मीटर, ठीक है? अब रास्ता बाहर है, ये तो उसने बता दिया मैदान के बाहर रास्ता है, ठीक है? अब हमने ये रास्ता भी ले लिया, हमें नहीं पता इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई क्या है, लेकिन ये एक सार है रास्ता, बनाने में जरूर मुझसे थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा है, उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं रास्ते की चौड़ाई ऑप्शन से ले लूं और क्षेत्रफल रास्ते का 46 ले आऊं, तो उत्तर बिल्कुल सही है। तो रास्ते का मैं लेता हूं 2, रास्ता अगर मैं 2 लूंगा तो ये बाहर की 16 हो जाएगी, और ये इधर की 9 से 2 ऊपर 2 नीचे, चौड़ाई इसकी हो जाएगी 13, तो 16 गुणा 13 माइनस 12 गुणा 9, तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का, अगर ये 46 आया तो बिल्कुल सही होगा उत्तर, लेकिन ये नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, ज्यादा आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है, ठीक है? तो 2 से ही इतना ज्यादा अंतर आ रहा है, 3 से तो और बड़ा अंतर आएगा, 4 से और बड़ा आएगा, उम्मीद है फिर 1 से अंतर बने। तो मैं एक एक लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 12 वाला तो 14 हो जाएगा और 9 वाला 11 हो जाएगा, तो 14 गुणा 11 माइनस 12 गुणा 9, ये तो 12 गुणा 9 ही रहेगा हर परिस्थिति में, तो 11 चौक 44, 11 एकम 11 चार 15, 154 माइनस 108, और अगर आप घटाओगे तो 46 वर्ग मीटर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है? तो 1 मीटर आपका आंसर। ऐसे आप ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ता कभी कभी ऐसे भी होता है तो उसको भी देख लीजिएगा, कभी कभी बीचों बीच, क्योंकि सारे रास्ते आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, ठीक है? तो वही रास्ते बिल्कुल आपको ढूंढने हैं और फिर किसी और रास्ते पर नहीं भटकना है, ठीक है? तो मैं सारे रास्ते आपको इसीलिए दिखा रहा हूं। तो दोस्तों इसमें 50 मीटर लंबा है,
ये जो मैदान है, जो भी कुछ है, बगीचा है, 40 मीटर चौड़ा है और इसमें इस तरीके से दो रास्ते ऐसे बनाए गए हैं। खुद बोला है उसने, एक तो लंबाई के समांतर, एक चौड़ाई के समांतर। दोस्तों ये कौन सा है, चौड़ाई के समांतर है या लंबाई के? तो ये चौड़ाई के समांतर है, ठीक है, बीचों बीच है। और ऐसे ही आपको लंबाई के समांतर देखना है। ये लंबाई के समांतर क्या होता है, जैसे रेल की पटरी ऐसे चल रहा है तो ये भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, तो ये होता है समांतर। और ये 10-10 मीटर चौड़ा है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक ही रास्ता आता है, दो नहीं आते लंबाई चौड़ाई के समांतर, अलग अलग नहीं आता, एक ही आता है सिर्फ। तो फिर उस स्थिति में क्या करते हैं, वो सब मैं आपको बताता चलूंगा। अगर एक ही आता तो टेंशन मत लो, फिर एक ही बनाते और फिर कैसे करते वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत कुछ कराया गया है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा और अपनी ट्रिक आप किसी को मान सकते हो। और आपसे पूछा गया है इन रास्तों का क्षेत्रफल हटा दो, ये जो शेष भाग है इसमें पेड़ है, मतलब ये बगीचा है, तो इस बगीचे का क्षेत्रफल बताना है आपको रास्तों को हटाकर, ये बोला गया है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं आपसे कि रास्ता, ये बगीचा था 50 मीटर लंबा, लेकिन 10 तो आपने रास्ते में दे दिया ना, तो कितना बच गया बगीचा, बगीचे की लेंथ रह गई फिर 40 मीटर, क्योंकि 10 तो गया ना रास्ते में, और चौड़ाई में से भी, चौड़ाई में से 40 थी, 10 गई रास्ते में, तो 30 मीटर रह गई चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा बस आप 40 और 30 की गुणा कर दो, उत्तर बिल्कुल सही आएगा। बहुत बच्चे ऐसा भी करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्तों का घटा दो जी, लेकिन रास्तों का वो क्या मानेंगे, 10 मीटर तो चौड़ा है, लेकिन ये चौड़ाई लंबाई क्या हो जाएगी इस रास्ते की, 40, तो 400 इसका आएगा। और इसका करना चाह रहे हो तो 50 ये, 10 ये 500 आएगा, लेकिन ये 10 10 10, ये 100 दो बार आ गया, ठीक है। 500 400 तो आप कर लोगे 900, लेकिन ये दो बार इसमें जुड़ रहा है, तो एक बार का माइनस कर लो, यानी 800 है रास्तों का क्षेत्रफल अगर आपको ऐसे करना है। और अब आप इनमें 2000 में से 800 घटाओगे तो 1200 आ जाएगा। तो जो बच्चे उससे करना चाहें वैसे कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस तरीके से संतुष्ट हैं उनको तो कभी कोई टेंशन होनी ही नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहें जी इसमें रास्तों का पूछ लिया तो कैसे करेंगे, शेष भाग का तो समझ में आ गया। तो दोस्तों रास्तों का लाना हो तो कितना आसान है, जरा देखो रास्तों का क्षेत्रफल, तो आपको पता है पूरे का क्षेत्रफल 50 × 40 है, ठीक है। और शेष भाग का हम पे ऐसे आ गया निकालना, तो रास्तों का ही बचा, शेष भाग का घटा दो बस, तो रास्तों का 800 वर्ग मीटर आया या नहीं आया, खुद बताओ, ठीक है। तो इससे रास्तों का भी निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी का भी पूछ ले, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। और हाँ, मैं वो बता रहा था, केवल एक ही रास्ता हो, मान लो ये चौड़ाई के समांतर नहीं है, सिर्फ लंबाई के समांतर रास्ता होता तो इस सवाल को मैं कैसे करता, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो फिर मैं करता इसको, एल हो जाती आपकी 50, लेकिन जो चौड़ाई है 40, देखो लंबाई में कोई वो नहीं होता, कुछ भी रास्ता नहीं कटा है, लेकिन चौड़ाई में से 10 मीटर का रास्ता निकालना पड़ेगा, चौड़ाई 30 रह जाती और आपका उत्तर हो जाता 50 × 30, अगर एक ही रास्ता होता लंबाई वाला, ठीक है। अगर ये चौड़ाई वाला होता तो आप इसको 40 कर लेते और ये भी पूरा 40 ही लेना पड़ता, समझ में आ रही है ना बात, तो इसका उत्तर 1500 हो जाता। और ये 40 40 यानी ये वाला रास्ता होता तो 40 40 यानी 1600 उत्तर आता। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे इरादे भी आपके इरादे भी। अब आपको इसमें तो कोई अलझा नहीं सकता, कोई रास्तों में आपको नहीं अलझाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए, आयत की लंबाई इतनी बढ़ जाए, चौड़ाई इतनी बढ़ जाए, तो वो कैसे करते हैं जरा देखो। क्वेश्चन होता है आयत की लंबाई 50% बढ़ा दे, तो ध्यान देना 50% वृद्धि, और चौड़ाई में ऐसे बोल दे 40% कमी, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ऐसे पूछता है, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि लंबाई में वृद्धि हुई है तो एल इन टू बी होता है ना, तो 150, तो 100 चीज मान के चलते हैं हम कोई भी अपनी, 100 से 150 हुई और 40% कमी हो गई, तो 100 ही मानता हूं मैं चौड़ाई को भी, वो 40 कम हो गई तो रह गई 60,
ठीक है 100 का भाग दे दिया, क्योंकि हमने दो जगह 100 लिया है, ये 100 से ये 100 से, तो 100 का भाग, तो 100 पे हम देखते हैं कितना आया लास्ट में, फाइनली आया 90, तो 15 × 90 150, वही 40% की 50 की वृद्धि और 40 की कमी, तो ये आया 90। ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ, तो हमें देखने में लग रहा था कि ये 10% वृद्धि, क्योंकि 40 कम 50 बढ़ाया तो 10 की तो वृद्धि बची, लेकिन आप देख रहे हो 100 था 90 रह गया, हुआ है एक्चुअल में ये 10% कम। समझ में आई बात, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, एक और सवाल लेता हूं। अगर आपसे बोले कि लंबाई में 20% वृद्धि वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि कर दे, कितनी चौड़ाई में भी 20% वृद्धि कर दे, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो जरा आ जाओ, तो 120 गुना ये भी 120 अगर वृद्धि हुई है, कमी होती है तो 80 लेता 20 की कमी होती तो, ठीक है, बटे 100 करना पड़ेगा। आपने देखा 144, तो 100 से जितना भी ये ज्यादा आया है वो वृद्धि है, 44% वृद्धि, पिछले में 90 आया था तो वो कमी थी, साफ दिख रहा है 100 से कम है तो कमी है और ज्यादा आए तो वृद्धि है। लेकिन अब आपको दोनों चीजों में तो पता लग गई, भाई वृद्धि करेगा तो ये करना है, कमी करे तो ये करना है, लेकिन कभी कभी क्या बोलता है कि आयत की केवल केवल लंबाई में 20% वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो ध्यान देना मेरी बात पर कि लंबाई में 20% वृद्धि तो 120 ठीक है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, अगर देखो 20% कमी होती तो हम 100 से 80 मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ना कमी है ना वृद्धि है तो 100 तो वो है ही, अब भी चौड़ाई लंबाई क्या थी 100 ही थी, हमने 120 मानी क्योंकि वृद्धि की है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं मतलब 100 ही रहेगी, और बटे 100, तो आपने देखा 120 हुआ क्षेत्रफल, 100 का 120 मतलब 20% वृद्धि। अर्थात ये है जब भी एक चीज में करेगा वो तो उत्तर वही रहता है क्षेत्रफल में, अगर दोनों में करे तो दोनों में फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर किया। उम्मीद करता हूं आपको इन सवालों में कभी दिक्कत अब नहीं आएगी। अब मैं चलता हूं वर्ग पर। वर्ग यानी स्क्वायर सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आसान सवाल इसी के ऊपर बनते हैं, ठीक है, सबसे आसान भी है सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों कैसा क्वेश्चन बनेगा कि वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसको आयत ही मानूं तो लंबाई गुना चौड़ाई, यहां तो लंबाई भी ये है चौड़ाई भी ये है, तो वर्ग और आयत में फर्क क्या है कि इसकी चारों भुजा बराबर, आयत में होता है आमने सामने की बराबर, लेकिन इसमें चारों बराबर, तो यहाँ पे लंबाई भी जितनी ए लोगे तो चौड़ाई भी ए ही लेनी पड़ेगी, तो ये भी ए है ये भी ए है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना वहां पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए गुना ए, मतलब क्षेत्रफल ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो दोस्तों खुद ही इसमें बताइएगा, सोचिएगा कितना परिमाप होगा, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, वही सारी चीज लग रही है नहीं लग रही, ठीक है, ये चारों भुजाओं का योग, चारों भुजा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी चार बार ए ए को जोड़ने से अच्छा है कि ए में एक बार ही चार की गुणा कर दो, 4 × साइड या 4 × ए, बात एक ही है, बात आ गई समझ में। अगर परिमाप आपको 10 दिया हो तो वो सॉरी अगर आपको भुजा 10 दिया है तो परिमाप आप कह देंगे 40, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर आपको विकर्ण विकर्ण इसका पूछे तो विकर्ण आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, आयत का भी ऐसे निकाल सकते हो, तो जैसे उसका ऐसे सेम इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वहां एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अलग अलग चीजें थी, यहाँ ए स्क्वायर ही है, तो बच गया 2 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से एक ए तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से एक अंडर रूट हट जाएगा, और 2 का कोई वर्गमूल नहीं निकाल सकता, इसलिए हम ए रूट 2 बोल देते हैं। तो वर्ग का विकर्ण याद रहेगा ना आपको कि वर्ग का विकर्ण ए रूट 2 होता है, बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं। अब मुझे आप बताइएगा कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, भुजा यानी साइड, साइड मतलब ए, ए का मान अगर आपको दे कोई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और पूछे और परिमाप पूछे, तो कैसे निकालेंगे, पूरा भुजा का ही खेल है, अगर वही दे दी तो आपको सब कुछ पता है, तो 8 का स्क्वायर कर दो ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा, और अगर आपको परिमाप चाहिए तो इसमें 4 की गुणा कर दो, 4 × साइड 32 सेंटीमीटर या जो भी कुछ है, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, वर्क के लिए। अगर इसका विकर्ण चाहिए तो विकर्ण आपको पता है 8√2 हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या उल्टा भी पूछा जाता है। दूसरा सवाल जैसे मैं लूं, वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको दिया हो क्या 144 वर्ग मीटर, तो इसका परिमाप बताओ। तो आप बताओ, सोचो जरा परिमाप क्या होगा इसका। तो अब आपको पहले चाहिए भुजा, तो ये वर्ग है और इसका क्षेत्रफल 144 है, तो इसकी साइड सीधी सी बात है 12 होगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, तभी तो 144 आया होगा। अगर इसकी एक साइड 12 है तो इसका परिमाप 12 12 12, जोड़ दो चारों 12 को, तो आपका उत्तर 48 मीटर। बात आ रही है ना समझ में, 12 12 12, 4 बार, तो 12 चौक 48। अगर इसका विकर्ण पूछे 12√2, ठीक है दोस्तों। तो कितना आसान ये सवाल होता चला जाता है। अगर आपसे पूछे कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भी दे देता है कई बार, वर्ग का विकर्ण अगर आपको दे रखा है 7√2 सेंटीमीटर है, सिर्फ क्षेत्रफल के अलावा सब सेंटीमीटर या मीटर में ही होंगे, क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, बात आ रही है समझ में। तो अगर आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल बताओ, इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे कि भाई इसमें भुजा चाहिए, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा, भुजा क्या होगी, √2 हटा दो, भुजा √2, साइड √2, ए √2, तो एक ही जगह क्या आया है 7, तो ये ए का ही तो मान है, तो ए का स्क्वायर करना है बस, 7 का स्क्वायर करना है, 49 आपका उत्तर होगा। तो ये इस तरीके से क्षेत्रफल बहुत आसानी से, आप बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए, देखिए एक वर्ग, वर्ग और इसका आपको भुजा दे दे तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी आप निकाल सकते हो। लेकिन वर्ग का आपको दिया परिमाप, वर्ग का आप, उसने परिमाप दिया आपको 40 मीटर, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताएं मुझे, विकर्ण कैसे निकालेंगे इसका वो भी बताएं। कितने आसान ये सवाल है, आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि परिमाप, एक बार वर्ग का इसका चित्र बना के सोचा कि ये 40 है, चारों भुजाओं का योग, इसका मतलब सारी 10 10 होंगी, क्योंकि सारी बराबर होती हैं, तभी तो ये 40 बनेगा। अगर इसका परिमाप 40 है तो ये सारी 10 10 होंगी कि नहीं होंगी, तो क्षेत्रफल होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 वर्ग मीटर, होगा कि नहीं होगा। तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, समझ में तो आ रहा है ना, बस ये मास्टर वीडियो है, डिटेल में जानना है तो वह मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो 100 वर्ग मीटर ये इसका क्षेत्रफल होगा, और अगर मुझे इसका विकर्ण चाहिए तो 10√2, बस इतनी सी बात है। और क्या क्वेश्चन आता है कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा अगर 20% बढ़ा दें, जैसे आयत में था, वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। अब आप देखो कैसा सवाल है, कितना आसान, बहुत आसान सवाल। तो आप देखो वहां पे क्या होता था, आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती थी, यहाँ पर लंबाई में भी बढ़ाना है, चौड़ाई में भी बढ़ाना है। एक भुजा में बोला ये नहीं सिर्फ लंबाई में बढ़ाएंगे और उत्तर 20% आ जाएगा उसकी तरह, नहीं, तो यहाँ पर 120 करना है, 100 की चीज 120 करनी है, लंबाई की जगह भी भुजाई है और भुजा चौड़ाई की जगह भी भुजाई है, तो उसमें भी 120 करना है, दोनों में करना है, बस यही खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो 144 आप कहेंगे 44% बढ़ जाएगा वृद्धि, ठीक है। अगर वो कमी करने को कहे, 20% कमी कर दी भुजा में, भुजा में ए जो है 20% कम कर दें, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आप क्या कहेंगे, अब 80 कर दिया, 80 × 80/100, आपने देखा ये तो 64 ही रह गया, हमारा होता है शुरुआत 100 से, 100 का 64 रह गया, आपने देखा कमी हुई, कितनी कमी हुई, 36% आपका उत्तर, क्लियर है ना। तो ऐसे हम क्षेत्रफल में कमी इसमें देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही कमी, क्षेत्रफल में वृद्धि कमी देखने की, लेकिन कभी कभी दुगना तिगना करके भी पूछता है, कैसे, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दें, भुजा दुगनी कर दें, दो गुनी, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, कितने गुना, ऐसे अगर सवाल बनता है तो आप कैसे करेंगे। बहुत आसान है, भुजा दुगनी, देखो आप खुद एक ऐसे मान लो, जैसे पहले भुजा थी 10, तो जब क्षेत्रफल था 100, ठीक है, और अगर भुजा दुगनी कर दो 20, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
तो 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया पहले से, 4 गुना। तो इस बात को ऐसे समझा हमने कि 4 गुना कैसे हुआ, और अगर 3 गुनी हो जाए भुजा यानी 30 हो जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, भुजा अगर 3 गुनी कर दूं तो क्षेत्रफल हो जाएगा 900, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 9 गुना। तो आपने देखा भुजा को अगर 3 गुना कर रहा हूं तो 9 गुना, भुजा को अगर दुगुना कर रहा हूं तो 4 गुना। तो इसका मतलब स्क्वायर में हो रही है चीज, ठीक है, तो स्क्वायर करना है बस। तो भुजा अगर दुगुनी कर दी तो क्षेत्रफल होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना, भुजा अगर 3 गुनी कर दूं तो क्षेत्रफल होगा 3 का स्क्वायर 9 गुना, और अगर भुजा 4 गुनी कर दूं तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 गुना। तो ऐसे आपका क्षेत्रफल होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल उल्टा भी पूछ लेता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल पहले से अगर 25 गुना है तो उसकी भुजा कितनी गुनी रही होगी, तो भुजा कितनी गुनी रही होगी दोस्तों, अगर 25 गुना क्षेत्रफल है तो भुजा 5 गुनी, तभी तो स्क्वायर करके वो रहा होगा, तो मतलब फिर अंडर रूट की सोचनी है बात, ठीक है। तो दो वर्गों के ऐसे आता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात A1 और A2 यानी वर्ग 1 और वर्ग 2, अलग अलग वर्ग हैं दो, अब के एक बड़ा है एक छोटा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बताओ, तो भुजा 1 और भुजा 2 का अनुपात क्या होगा। तो आपको साफ पता है कि वर्गमूल ले दूं भुजा का यानी 25 का, क्षेत्रफल का वर्गमूल तो भुजा आ जाती है 5, और इसका वर्गमूल ले दूंगा तो 4, तो इनकी भुजाओं का अनुपात 5:4। अब आप कहो जी परिमाप का पूछ लिया तो हमसे क्या करेंगे, तो दोस्तों इसको 4:4 गुना कर लो। वैसे एक बात बताऊं, आप अगर दोनों में काम करने से अच्छा है कि यही उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों में कर रहे हो तो उसको नहीं करो तब भी वही बात है, क्योंकि अनुपात में दोनों का कर रहे हो तो अभी आपको देखो फर्क समझ में आएगा। तो 20:16 आएगा किसका, परिमाप का, लेकिन 20:16 अनुपात ठीक नहीं लग रहा क्योंकि कट सकता, तो जितने की गुणा करोगे बाद में अपने आप कट जाएगा, उत्तर वही रहना। तो मतलब अगर आपको वर्ग के क्षेत्रफल का दिया है, भुजा का पूछे, परिमाप का पूछे या विकर्ण का पूछे, उत्तर यही आना है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको परिमाप दुगुना कर दे, वो परिमाप दुगुना दुगुना और क्षेत्रफल कितने गुना होगा, क्षेत्रफल कितने गुना, तो परिमाप का दुगने का मतलब है कि देखिए परिमाप दुगुना नहीं, उसमें भी 4 × A तब भी 4 ही रहेगा, ये 8 नहीं हो जाएगा परिमाप दुगने में, भुजाई तो दुगुनी हो रही है तब भी, तो परिमाप दुगुना कहे या विकर्ण दुगुना कहे तब भी भुजाई दुगुनी होती है, तो आपका क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होगा, ठीक है, तब भी क्षेत्रफल 4 गुना ही होगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को हम लोग करते हैं, तो कोई दिक्कत अब आपको वर्ग में नहीं आएगी। आगे मैं बढ़ता हूं, अब सवाल आता है वृत्त का, सर्किल का। तो सर्किल में हमें जानना पड़ेगा कि त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले त्रिज्या। तो दोस्तों हम पहले प्रकार में एक त्रिज्या भर के एक वृत्त खींचते थे, वही वाला वृत्त है त्रिज्या भर के, यहां से सर्किल की रेडियस ऐसे हमने जो भी खींचा है वही रेडियस होती है, जो भी प्रकार में दूरी भरी जाती थी, ठीक है। वो बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स होता था हमारा, तो उसमें हम देखते थे कि भाई सारा सब कुछ प्रकार वगैरह सब कुछ लेस आता था आइटम, है ना, तो वही सब चीज है, वही प्रकार होता है जिसमें पेंसिल फंसा के हम जो भी डिस्टेंस लेते थे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उस तरह का वृत्त हमें खींचना होता है, तो वही त्रिज्या होती है। और व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का दुगुना यानी 2 × R, जिसको हम डायामीटर भी बोलते हैं, रेडियस त्रिज्या के लिए बोलते हैं, परिधि को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो दोस्तों ये सरकमफेरेंस क्या होती है, पैरामीटर परिमाप होती है ना आपकी, तो परिमाप जो होती है वो इसकी परिधि, तो इसमें इस गोल हो जाती है ये, इसलिए इसको परिधि बोलने लगते हैं, बाकी तो नहीं, ये परिमाप ही है। तो इसको बाहर से चारों तरफ से नाप लो, मतलब अगर ये गोल चीज है तो इसका परिमाप इसको कैसे नापेंगे, इसके मान लो एक खेत है गोल और इसके चारों तरफ तार लगवानी है बिजार रोकने खेत में बढ़ने से, योगी बाबा जी ने जो छोड़ रखे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब अब उनमें क्या करें, ठीक है, उनको रोकने के लिए, तो अब कैसे कितनी तार लेके आए तो उसको हम कैसे नापेंगे, तो उस तार को ऐसा तो है नहीं कि चारों तरफ रस्सी डालो और ऐसे नापो, तो बहुत लोग तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, तो सिर्फ आपको आर नाप लेनी है, आर मतलब बीच का केंद्र बिंदु से लेके आर, ठीक है, और व्यास क्या होगा, व्यास इस बिंदु को यहां से यहां तक मिला लो, अगर बीचम बीच आपने पूरा तार ऐसे डाल दिया पूरी रस्सी और उसका आधा कर दो तो त्रिज्या निकल गया,
ठीक है, इसी को हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास इसका दुगना होता है। तो व्यास न्यू नहीं कि बिल्कुल यहीं आएगा सीध में, आप ऐसे भी लाइन खींचो वो भी व्यास है, आप ऐसे लाइन खींचो वो भी व्यास है, आप ऐसे खींचो व्यास। तो केंद्र से होकर जाने वाली हर लाइन व्यास होती है, ठीक है। तो आप कहो ये भी व्यास है क्या? नहीं, इसको हम कोण बोलते हैं, यानी जीवा बोलते हैं, जीवा, ठीक है। और कहीं भी दो बिंदुओं को मिलाओगे वो जीवा होगी। तो ये जीवा क्या ये भी जीवा कहलाएगी? ऐसे मिला दी, बिल्कुल ये भी जीवा ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी आप बताओ? तो जो ऐसे खींचेगी, तो व्यास ही हो गया। तो व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि व्यास क्या होता है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा। तो व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। चलिए, व्यास दोगुणा होता है, बिल्कुल आपको क्लियर है। परिधि 2πr होती है, बिल्कुल आपको, आप फॉर्मूला रट लीजिएगा कि आपको अगर ये लाना है तार तो r नाप लो, 2πr ले आओ, ठीक है। अब ये पाई क्या चीज है? पाई को मैं आपको समझा देता हूँ, कोई शायद इतना डिटेल में ना बताए। पाई का मान तो सबको पता है, सब बता देते हैं 22/7। लेकिन ये 22/7 ही क्यों लिया, ये 23/7 भी तो हो सकता था। तो ये परिधि अपॉन व्यास, परिधि अपॉन व्यास होता है। मतलब अगर किसी का व्यास आपने साथ लिया है ना, तो परिधि 22 आएगी आएगी। आपने कोई त्रिज्या ले ली 3.5, भाई व्यास 7 है तो त्रिज्या 3.5। अगर 3.5 से त्रिज्या खींचोगे और इसको नापोगे ना फिर, तो ये 22 ही 22 आएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकती, क्योंकि आपने त्रिज्या 3.5 लिया, व्यास 7 लिया है। तो ये 7 और 22 के अनुपात में होता है। अगर इसको आप मौखिक भी आप कर सकते हो, अगर परिधि 44 दे दी और आपसे पूछे त्रिज्या बताओ क्या है, तो परिधि 44 है तो व्यास 14 हो जाएगा। अगर व्यास 14 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 22 का दुगुना, तो व्यास 14, और व्यास 14 तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, व्यास की जस्ट आधी होती है त्रिज्या। तो पाई का मान 22/7, कैसे क्लियर हो गई बात? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर रट लीजिएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर तो आना ही था क्योंकि वर्ग मीटर में आता है इसका मात्रक, ठीक है, क्षेत्रफल का, तो वर्ग मीटर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का बड़ा खेल है, पाई बराबर, पाई का मान 22/7 फिक्स होता है, लेकिन जिस सवाल में पाई बराबर 3.14 दे रखा हो वहां यही मान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि 22 में अगर 7 का भाग दोगे तो 3.14, तो वहां इससे बढ़िया आएगा उत्तर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब सवाल कैसे होंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक तो यही होगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की आर 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो ऐसे बड़े आसान आसान सवाल SSC GD में पूछे जा रहे हैं, तो वो तो आप यू के यू ही कर दोगे, यहीं के यहीं। फॉर्मूले आपने देखे, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 से 7 काटा, आपका उत्तर आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल वृत्त की क्षेत्रफल निकल गया। और अब आपको वृत्त की परिधि अगर पूछे, 2πr r दे रखी है, तो फिर तो कुछ भी टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ मान रखने और फॉर्मूला लगाने, 44 हो जाएगी, तो 44 मीटर या सेंटीमीटर जो भी कीजिए, ठीक है। और अब क्या कर देता है, थोड़ा चालाक बन जाए तो वृत्त का व्यास दे देता है, वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपको क्या है, बच्चे पाई आर स्क्वायर लगाने की इतनी जल्दी करते हैं और आर की जगह 28 रख जाते हैं, तो आर आपको क्या रखना है, 14, पहले ये चीज जरूर गौर करनी, ठीक है। और अब लगाएं 22/7 14 × 14, तो अब आपका उत्तर क्या आएगा, आप गुणा गुणा इसकी करोगे तो उत्तर आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। बात आ रही है ना समझ में, क्लियर? तो अब आपको उल्टी चीज भी पूछ लेगा, मतलब क्षेत्रफल दे देगा, परिधि पूछ लेगा, बस इतना कर सकता है इसमें। जैसे ये है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, इसका परिमाप या परिधि बात एक ही है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल है तो हम रखेंगे इसको, ये पाई आर स्क्वायर का मान है 616, तो थोड़ा पक्षांतर का रोल होगा दोस्तों, क्योंकि हमें आर का मान चाहिए तो पाई इधर ले जाना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, ये गुणा में होता है यहाँ पाई, तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 22/7, जो 7 है वो 3/3 का है, इसलिए उसको ऊपर ले दूंगा मैं,
ठीक है, तो 22/7 पाई का मान रख दिया ना मैंने, पाई तो आ रहा है नीचे, और 22 से मैंने इसको काटा, 22 तो नीचे 44, 22 अट्ठे 176, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196, फैक्टर भी कर सकते हो, 7 21, वो 7 4 28, तब अलग अलग निकाल सकते हो वर्गमूल, या आपको रटा हुआ होगा 25 तक के वर्गमूल तो रटना ही चाहिए हमें, तो 14 सेंटीमीटर, 196 का 14 होता है। अगर r का मान 14 आ गया तो परिमाप का फॉर्मूला है 2πr, तो अब तो टेंशन ही खत्म है, r 14 रख दीजिए, तो बस उत्तर आ गया आपका 88 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, ये आप 22/7 से भी कर सकते थे कि ये परिधि होती है, ये व्यास होता है, ठीक है, और अगर आपको त्रिज्या 14 है तो व्यास सीधी सी बात है 28 होगा, भाई व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 है, ठीक है, तो अगर ये 28 है तो ये कितनी होगी, ये 7 का 4 गुना, तो ये भी 88, तो परिधि ऐसे भी ला सकते थे बगैर फॉर्मूला के, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, फॉर्मूला लगाओ, कोई ज्यादा इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। बात क्लियर है कि क्षेत्रफल देके परिमाप पूछ ले, परिमाप देके क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, किसी वृत्त का परिमाप, परिमाप अगर 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप रखेंगे 2πr बराबर 44, या आप इसमें भी रख सकते हो कि 22 का दुगना है 44, तो व्यास हो जाएगा 14, क्योंकि ये भी दुगना करना पड़ेगा, त्रिज्या 7, और जहां त्रिज्या 7 आई वहीं क्षेत्रफल 154, तो उत्तर इसका 154 आना है। बाकी मैं आपको यहां भी निकाल के दिखा देता हूं, r बराबर 44/2π, पाई का मान ये रख दिया, आपने देखा r का मान 7 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो जो मैं अभी दूसरा तरीका बता रहा था, या ऐसे निकालने में सक्षम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। इसमें भी रास्ते का सवाल आ सकता है, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, 7 सेंटीमीटर ही कर लीजिए, अगर ये सेंटीमीटर है तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही होगी, कोई बात नहीं, पर समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है, ये 28 आर है इसकी, तो भार वाले कि 7 का चौड़ा है ये, तो बाहर वाले की आर क्या हो जाएगी, 28 + 7 = 35, तो बड़ी वाली आर तो 35 हो गई और छोटे वाले की आर हो गई 28। अब आप खुद बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूं, ये जो पट्टी आपको दिख रही है गोल गोल, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई 35 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई 28 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, अपने तरीके से कैसे भी हल कर सकते हो, पाई कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, बाकी जो नॉर्मल बच्चा है वो ऐसे भी कर सकता है कि हमें नहीं आते ज्यादा फॉर्मूले, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे लिखना और 5 बार काटना, इनकी गुणा करना, इसको 4 बार काटना, इनकी गुणा करना, घटा देना, आपका उत्तर आ जाएगा 1386 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से रास्ते की चौड़ाई वाला सवाल भी इसमें आ सकता है। एक सवाल इसमें दोस्तों और भी होते हैं, जैसे चक्करों की संख्या पूछ लेता है कई बार कि भाई पहिया है वो चक्कर लगाएगा कैसे लगाएगा। मैं सवाल बताता हूँ आपको कैसा होगा। जैसे सवाल होता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया है कोई, ऐसे 14 सेंटीमीटर व्यास ना बना के मैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लेता हूँ, ये एक पहिया है, इस पहिए को 44 मीटर दूरी तय करनी है, तो इसके कितने चक्कर, तो चक्कर क्या मानते हैं, मान लो एक निशान मैंने यहाँ मार दिया, ये फिर ऐसे घूम के निशान फिर से यहाँ आ जाए तो वो एक चक्कर होगा पहिए का, फिर दोबारा ये घूम के आ जाए 2 चक्कर, तिबारा ये घूम के आ जाए 3 चक्कर, तो बहुत थोड़ी सी दूरी तय करेगा, 7 सेंटीमीटर पहिया होगा ही कितना, आप खुद सोच के देख लो, ठीक है। तो 44 मीटर दूरी कितनी होती है आपको पता है, 100 मीटर का सूट आपने कई बार मारा होगा, 50 मीटर उससे आधी 44, थोड़ी और कम मान लो, ठीक है। तो चक्करों की संख्या, जब भी कोई चीज पूछे कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या पूछे किसी चीज की, दो चीजों का भाग हमेशा करना होता है, याद रख लो ये बात, ठीक है। तो जब भी किसी चीज की संख्या, पत्थरों की संख्या, किसी क्षेत्रफल में बिछाना हो, तो कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, वही चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ,
तो कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। अब कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी 44 मीटर साफ साफ कह रहा है, बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में ये पहिया कितना चलेगा ऐसे घूम के जब तक यहाँ आ जाए, तो ये तो 2πr हो गया। तो बिल्कुल 2πr, तो 2πr का मान यहाँ रख दीजिए। लेकिन दिक्कत एक है कि r तो है 7 सेंटीमीटर और ये है मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में ही बदल दिया जाए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए मैंने सेंटीमीटर में बना लिया इसको, कुल दूरी सेंटीमीटर में आ गई। तो 2πr 22/7 और r है 7, 7 से 7 काट सकते हो, 22 से 2 बार और 2 से 2, तो आप कहोगे 100 चक्कर इस पहिए को मारने पड़ेंगे 44 मीटर की दूरी तय करने में। बात आ गई समझ में? तो एक इस तरह के सवाल होते हैं, आपको ये फॉर्मूला रटना है, रट के चले जाना है, कोई टेंशन आपको नहीं होगी, सवाल कैसा आएगा ऐसा आएगा, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अब एक ऐसे ही जैसे वर्ग में क्वेश्चन पूछे जाते थे कि वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दें क्या होगा, क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस फिर ये ऐसे बन सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, बात खत्म है। जैसे वर्ग में किया आपने, सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है। 100 की चीज थी 110 हो गई, फिर 110/100, ठीक है, तो आपने देखा 121 हो गया, 100 की चीज 121 हो गई, आपने कही 21% वृद्धि हो जाएगी। अगर ये कमी कर दे त्रिज्या में तो 90 × 90 कर दूंगा, 90 × 89 = 81, तो 19% कमी आ जाएगी। तो उस तरीके से ही करना है, 20% वृद्धि करे 120 × 120/100, तो इस तरीके से ही करना है। दोस्तों एक बात और भी मैं आपसे बोलूं कि वृत्त की चाहे त्रिज्या में बोले या परिधि में बोले या व्यास में बोले, बात एक ही है सारी, काम जब भी यही करना है। क्यों? अगर उसने परिधि में किया, परिधि को 10% बढ़ाया, तो दोस्तों 2π का मान थोड़ी ना बढ़ाएगा कभी भी 10%, भाई परिधि बढ़ी है तो इसका मतलब तब भी त्रिज्या ही कोई चेंज कर सकता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। व्यास में 2r होता है तो इस ये 3r थोड़ी ना हो जाएगा कभी भी, तो त्रिज्या के साथ ही कर रहा है, जो भी छिड़खानी कर रहा है, तो ये तो सिर्फ आपको घुमाने के लिए होता है कि परिधि में 10% वृद्धि कर दें, त्रिज्या में तो समझ में आ गई परिधि में कैसे करेंगे, बात वही है त्रिज्या वाली, ठीक है। जब भी परिधि बोले या व्यास बोले तो आप समझ लेना कि त्रिज्या में ही बोला गया है। सेम ऐसे ही मैंने वर्ग में भी बात बताई थी कि जो भुजा में बोले, परिमाप में बोले, विकर्ण में बोले, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन कई बार सवाल और भी तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे सवाल वर्ग में भी था, वृत्त की त्रिज्या दुगनी, वहां वर्ग की भुजा दुगनी, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में बढ़ता है, तो 4 गुना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना करे 9 गुना, 4 गुना करे 16 गुना, वृत्त का क्षेत्रफल पहले से 25 गुना हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी गुनी, 5 गुनी, तो ऐसे आप उल्टा भी चल सकते हो इसमें, ठीक है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 होगा, तो कितने आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा लॉजिक लगा देता है वो ये लगा देता है कि वृत्त की त्रिज्या तो दुगुनी कर दी, त्रिज्या 2 गुनी, ठीक है, ये इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है दुगुनी। लेकिन क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल पूछा, वो ये पूछा क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, तो ऐसे पूछा है। ये वर्ग में भी हो सकता है सवाल, तो सबका तरीका एक ही है, त्रिज्या दुगुनी, वृत्त का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। देखिए दुगुनी, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप सोचो, पहले तो वही देखना है आपको, क्षेत्रफल होगा 4 गुना, ठीक है। 4 गुना का मतलब क्या, ये समझना पड़ेगा कि पहले सौ था और अब बढ़ने के बाद हो गया 400, तो कितनी वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि आप कहेंगे 300%, ये आपका आंसर। समझ में आई? अगर आपका त्रिज्या को 3 गुना कर दे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना, और 9 गुना का मतलब है 100 × 900, अगर 3 गुना करता तो क्या उत्तर आता, कितने परसेंट बढ़ेगा, तो 800% वृद्धि। तो वृद्धि 900% ना कह के हम 800% कहेंगे, बात आई समझ में? अब आपको कोई नहीं अलझाएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली आकृति आती है दोस्तों त्रिभुज। त्रिभुज में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपके लिए नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ समकोण त्रिभुज बता रहा हूँ। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, वैसे तो विषमबाहु त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी हो सकता है, कि 2 भुजा बराबर हो लेकिन तीसरी बड़ी होगी हमेशा, और 90 डिग्री के कोण होता है एक इसमें जरूर। समकोण त्रिभुज की खास बात है, एक कोण 90 डिग्री का और उसी के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी,
क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये तो नियम है, ठीक है। और इससे बड़ा कोई कोण हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों कोणों का योग त्रिभुज के का 180 होता है, ये सबको पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, त्रिभुज का आपसे परिमाप पूछे किसी भी त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, कोण क्या होते हैं, कोण ये होते हैं 180 जिनका योग होता है। कई बार सवाल ऐसे भी आ रहे हैं इसमें SSCGD में कि दो कोणों का माप दे दी त्रिभुज के, कि भाई ये कोण 60 डिग्री ये 70 डिग्री, तो ये कोण बताओ, यहाँ x लिख दिया तो x का मान क्या होगा, तो आप कह देंगे ये तो 130 है, 180 में से घटा दो क्योंकि तीनों 180 होते हैं, तो ये 50 और हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन परिमाप अगर पूछे किसी भी त्रिभुज की, बता रहा हूं बस तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार प्लस ऊंचाई प्लस कोण, यही परिमाप होगा। और समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस तो हम कितनी जगह लगाते आते हैं कि ये भुजा कैसे निकलती है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग अंडर रूट ले दो, जैसे ये 6 हो ये 8 हो तो ये कैसे आएगी, अंडर रूट 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो आप कह दोगे कि ये 100 आ जाएगा और 100 का मान 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण ऐसे आ जाता है। अब अगर किसी वर्ग किसी त्रिभुज की तीन भुजा आपको दे रखी हो, एक 15 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, एक 17 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछा हो, तो क्षेत्रफल मैं अभी बाद में बताऊंगा, तो आपको पहले ये चेक करना आना चाहिए कि आप चेक कर सकते हो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो आप बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग हमेशा इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा अगर ये समकोण होगा तो, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं आएगा बराबर। तो ये 289 आपने देखा है, 225 ये 64, ये भी 289 ये भी 289, अर्थात ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो ये समकोण त्रिभुज प्रूव हो गया, पाइथागोरस ने यही चीजें बताई थी, ठीक है, क्लियर हो गई ना बात हमें। तो समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बस एक फॉर्मूला याद करके चले जाओ, परिमाप सभी त्रिभुजों का एक जैसा, तीनों भुजाओं का योग। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप करेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई या लंब, देखिए जैसे 1/2 आधार तो ये रहा, और इसकी ऊंचाई कहो या इसको लंब कहो, बात एक ही है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू हाइट, जो भी आप कहो तो वही सही है। तो ये किसी भी त्रिभुज, क्या आप देखिए ये समकोण क्या होता है, विषमबाहु, तीनों भुजा कोई सी भी बराबर नहीं होती, तो ये किसी भी त्रिभुज के लिए लग सकता है, लेकिन एक कोण समकोण होना चाहिए तभी लगेगा क्या, नहीं, कैसा भी त्रिभुज हो अगर उसमें आधार ऊंचाई पता है तो आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, निश्चित तौर पर काम करेगा। फॉर्मूला आया कहाँ से है ये मैं आपको बता दूं कि ये आयत होता है, आयत, आयत में ये लंबाई होती है ये चौड़ाई होती है, ठीक है। अब आप खुद देखना, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज और एक ये समकोण त्रिभुज, तो इसका आयत का क्षेत्रफल पूरे का था एल इंटू बी, तो यहाँ पे L इंटू बी, लेकिन मैं आधे का निकालना है मुझे, तो 1/2 L इंटू बी हो जाएगा, L यहाँ पे आधार मान लेते हैं त्रिभुज में, और इसको ऊंचाई बोल दिया, बात वही है कि पूरे आयत का ना चाहके आधे आयत का चाहिए, तो इसलिए 1/2 लगता है। फॉर्मूला समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज का याद रहेगा। तो अगर आपको दी है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा, एक आपको दे रखी समकोण त्रिभुज की बेस, किसी समकोण त्रिभुज का बेस आपको दे रखा है कि ये 12 मीटर है, और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कि ये 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करें, 1/2 गुना 12 गुना 5, तो ये बेस दे रखा है, ये हाइट दे रखी है, यानी आधार दे रखा है, ये हाइट दे रखी है, तो आपको सिर्फ ये काम करना होगा कि 6×5=30 वर्ग मीटर। लेकिन कई बार वो विकर्ण दे देगा, किसी वर्ग समकोण त्रिभुज का विकर्ण 10 मीटर है और इसका हाइट 6 मीटर है, तो इसका इसका आपको क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई तो पता है 6, लेकिन आधार कहां से लाएंगे, तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग, पाइथागोरस से 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, मतलब 100 - 36, आप कहोगे 64, 64 का अंडर रूट 8, तो 8 ऐसे आप ला सकते हो और आपका उत्तर 24 वर्ग मीटर। तो इस तरह के सवाल इस पे बनते हैं,
बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। और एक आता है समबाहु त्रिभुज, उसको भी जान लो। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण भी बराबर, 60-60 डिग्री का एंगल होता है, हर कोण 60 डिग्री का, हर भुजा बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको रटना पड़ेगा अंडर रूट 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। आ तो सकता है, मैं ला भी सकता हूं, लेकिन ये रट लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब मैं इतना टाइम नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ये बता चुका हूं क्षेत्रफल के चैप्टर में, आप पढ़ सकते हो, दो वीडियो समबाहु त्रिभुज पे बने हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, इसमें आपको भुजा दी हुई रहेगी, भुजा दी है मान लो 6 सेंटीमीटर, तो आप इसका क्षेत्रफल बताओ। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा तो 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप क्या करेंगे, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, वो तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए है। इसके लिए क्या है, अंडर रूट 3/4 गुना 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस उत्तर हो गया अंडर रूट 3/4 गुना 36 को 9 बार 9√3 आपका उत्तर है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब इसका ऊंचाई आ जाती है कभी कभी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगला सवाल मैं लिख देता हूं, अगला सवाल समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई दे दी 6 सेंटीमीटर, 6 ही दे दी मान लीजिए, 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। फिर आपको क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला रट लें तो बेटर है। तो एक इसके ऊंचाई के पदों में मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्ट आप उसको निकालने की कुछ जरूरत नहीं है। ऊंचाई का वर्ग बटे अंडर रूट 3, मतलब कुछ लोग तो ऐसा है भुजा निकालेंगे पहले, तो टाइम वेस्ट करोगे आप, तो कुछ नहीं करना। तो सिर्फ आपको ऊंचाई का स्क्वायर बटे रूट 3 कर देना है, अर्थात 36/√3 बिल्कुल सही उत्तर है। और कुछ लोग ऐसा है कि कई किताबों में रूट 3 या पेपर में नहीं है ऑप्शन बटे में रूट 3 का, तो रूट 3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि रूट बटे में ऑप्शन नहीं होता कई बार, ठीक है। तो 36 गुना रूट 3 और बटे रूट 3 में रूट 3 की 3 से 12 बार 12√3 आपका उत्तर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप समबाहु त्रिभुज का कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूं ये मास्टर वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि मैंने बहुत तेजी से तो नहीं चलाऊं, बहुत सारे सवाल आपको समझ में तो आए ना अच्छे से, ठीक है, उस तरीके से आप कर लेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। और हाँ, अब 3D मेंसुरेशन का वीडियो, उसको भी एक ही वीडियो में कवर करना है, एक ही घंटे में 6 की 6 आकृति मुझे करनी है। कौन कौन सी 6 आकृति है आपको पता है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन और आपका गोला, अर्धगोला, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला वीडियो वही होगा। ओके।